मोहित है, मोहित मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहा है, ये खुद के लिए मेहनत कर रहा है। अगर ये खुद को चीट करेगा, डाइट सही टाइम पे नहीं लेगा, वर्कआउट के साथ चीट करेगा, तो मेरे साथ चीट नहीं कर रहा है, खुद के साथ चीट कर रहा है। क्योंकि ना तो यहाँ पे किसी कोई फीस है और ना यहाँ पे ट्रेनिंग फीस है, ना जिम की फीस है, तो सब कुछ चीज़ें फ्री है। तो जितना आपने टाइम दोगे, खुद को डेवलप करोगे, वो आप लोगों के लिए अच्छा है। आप ऐसे लोगों के चक्करों में ना पड़े, जैसा मैं यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, जो आपको ये बोलते हैं 10 दिन में खुद को ट्रांसफॉर्म करें, 1 महीने में खुद को ट्रांसफॉर्म करें, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लंबे टाइम तक चलना है तो आपको लंबे टाइम तक खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद की बॉडी को कस देना पड़ेगा, अपने डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। खींच, चल मोहित खींच दे, लास्ट है, लास्ट है, ये लास्ट है, एक और है, एक और, एक और, चल 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 चल, बनमो या लग जाएगी, लास्ट, चल चल चल, गुड, बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया। राम राम जी। तो कैसे आप सब, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में, और अभी हम है विपिन देसी फिटनेस में। मेरे साथ है दोनों चैंप, इधर है मयंक, इधर है मोहित। तो मोहित को हो गया अभी लगभग 2 से 2.5 महीने अभी कंटिन्यू वर्कआउट करते हुए, और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी डेवलप हुई है पहले के कंपेरिजन में। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि वेट रिड्यूस कम हुआ है, या तो इसकी थोड़ी सी डाइट को लेके इसकी डाइट सही नहीं हो पा रही है, या सेकंड चीज़ इसका वर्कआउट प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है जिम के अंदर, लेकिन घर जाके कुछ गलत खाया जा रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी बिल्डअप हुई है। तो आज का वीडियो काफ़ी खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेली फैट से रिलेटेड, या फिर जिनको वेट रिड्यूस करना है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जो हमने अभी मोहित को बताई थी और मोहित के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है एज कंपेरिजन टू पहले से। तो 2 महीने में इसने खुद को काफ़ी ग्रो किया है। तो अभी हम शुरू करेंगे पहले इसका वर्कआउट, कुछ इसकी डाइट के बारे में जानेंगे। तो पहले हम वर्कआउट को कर लेते हैं, और हमारे 5 वर्कआउट क्या रहेंगे जिससे मोहित को हेल्प मिली है यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में और पहले से अच्छा होने में। तो अभी शुरू करते हैं अपना पहला वर्कआउट। तो वो रहेगी हमारी नॉर्मल जंपिंग, जो हम टायर के साथ करेंगे अभी। ये थोड़ा स्पीड करेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना चला जाए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो को फिनिश करें और जल्द से जल्द आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट वर्कआउट बता सकें। अगेन, इस वर्कआउट में आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आप लोग घर पे ही कर सकते हैं, बिना इक्विपमेंट के कर सकते हैं। तो अभी शुरू करेंगे पहला वर्कआउट, जो हमारा रहेगा टायर के ऊपर जंपिंग। और शुरू करते हैं, कैसे आपको करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको अभी पता लगेगा वीडियो में। चल शाबाश, थोड़ा स्पीड कर, चल चल खींच के चल, बढ़िया। तो अभी आप देखेंगे, पहले ना मोहित का जो अभी ये बेली फैट था काफ़ी ज़्यादा था एज कंपेरिजन टू अभी के, तो हमने उस चीज़ पे काम किया है, काफ़ी कम हुआ है। और आप पहले का वीडियो देखेंगे और आपका वीडियो देखेंगे तो आपको दिन रात का अंतर दिखाई देगा, स्ट्रेंथ में भी और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में भी। चलो बहुत बढ़िया, गुड। भाई जैसे मेरे वर्क जो रहते हैं ना, मतलब जैसे पहले मैं भी यही सोचता था भाई, जैसे आप सिंपल वर्कआउट हो जाते हो, जंपिंग हो गई, वैसे हो गई, मगर इससे थोड़ी वेट कम होता है भाई। इससे क्या होता है, क्या स्ट्रेंथ बनेगी, ये तो वैसे ही कर लेते हम, ये कोई एक्सरसाइज थोड़ी, मतलब बिना वेट के, बिना डंबल वम्बल के थोड़ी। तो अभी ना अभी भी हम यही चीज़ सोचते हैं कि या तो हम जिम के अंदर जाएंगे, डंबल उठाएंगे, डंबल लिफ्ट करेंगे, वेट लिफ्ट करेंगे। शायद मोहित के माइंड में भी यही चीज़ें थी। मेरे हिसाब से अभी तक इसका ना तो कोई डंबल का लिफ्ट हुआ है, ना रोड का हुआ है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। जैसे मैं आया ना पहले, हाँ। तो मैं भी मतलब यूज कर घर से, चलो आ जाऊँगा जिम में, और जोती मतलब भाई वैसे वर्कआउट कराएंगे, जो मैं वीडियो वगैरह में देखा था, वैसे रील वगैरह में भाई मैं ब्याज वैसे ही करूँगा। अब यहाँ के देखा तो भाई रनिंग करो, पैसा चढ़ो, यार यू क्यों चल रहा है। हाँ, ये मुझे उसमें देख गए ना, मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पे वर्कआउट कर रहा था। मैं एक्सट्रीम पे वर्कआउट क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को फेस कर लिया था। इन्होंने सोचा कि नहीं, पहले जाते ना हम भाई बन जाते हैं, बाद में देखेंगे बेसिक को, तो पहले एडवांस पे चलते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हमारा दूसरा वर्कआउट रहेगा, जो हम करेंगे माउंट क्लाइंब, ठीक है। ये पुशअप्स की फॉर्म में करेंगे, ये बेहतरीन वर्कआउट है आपके बेली फैट के लिए और आपकी स्ट्रेंथ के लिए। अगेन, यहाँ पे हम जो मोहित के साथ अभी काम कर रहे हैं, या फिर और भी भाई जो आ रहे हैं जिनको वेट रिड्यूस करना है, स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, उनका काम जो हो रहा है वो कोर के ऊपर हो रहा है, तो कोर अभी हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो दूसरा वर्कआउट जो हमारा अभी करेंगे हम माउंटेन क्लाइंब, वो आपको अभी पता लग जाएगा कैसा रहेगा वर्कआउट। चल रहे कर ले, चल चल खींच के, ये बहुत बढ़िया मोहित, फास्ट कर, चल चल चल, बढ़िया, गुड। अभी इस वर्कआउट में आप देख रहे हैं हमारा जो पूरे जो लेग्स हैं वो पूरे इसके अंदर स्ट्रेच एंड स्क्वीज हो रहे हैं। तो आपको ना पूरे लेग्स को पूरा फ्लेक्स करना है। काफी भाई ऐसे करते हैं, बार करियो मोहित, जैसे शुरू कर रहा था। हाँ, ये आप ये करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। अभी कर प्रॉपर वे में, ये बहुत बढ़िया, चल स्पीड खींच दे,
भाई ये जो सिंपल एक्सरसाइज लगती है हमें तो, मतलब एक्सरसाइज थोड़ी सिंपल लगती है, और मगर जब करते हैं ना थोड़ी देर तो इजी लगेगी, फिर उसके बाद पता चलता है हाँ भाई, और फिर हम उसी टाइम में छोड़ देते हैं। फिर जब हमें पहिए पे लगता है ना कि हमें फील होना शुरू होता है कि आप हमारे मसल्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उस टाइम हम छोड़ देते हैं। ये मोहित ने बहुत किया है। ये क्या है, इसके अंदर की इतनी कैपेसिटी, अगर मैं इसको 20 रेपिटेशन बोलूं तो 50 भी लगा सकता है, लेकिन क्या करेगा, नहीं भाई नहीं लगेगी तो पहले गिव अप कर देता है। तो आपको ये भी नहीं करना है, आपको पुश करना है अपनी लिमिट्स को। अगर आप आज पुश करेंगे तो कल आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आप खुद को बेहतर कर पाएंगे। ये मेहनत आप मोहित मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहा है, ये खुद के लिए मेहनत कर रहा है। अगर ये खुद को चीट करेगा, डाइट सही टाइम पे नहीं लेगा, वर्कआउट के साथ चीट करेगा, तो मेरे साथ चीट नहीं कर रहा है, खुद के साथ चीट कर रहा है। क्योंकि ना तो यहाँ पे किसी कोई फीस है, और ना यहाँ पे ट्रेनिंग फीस है, ना जिम की फीस है, तो सब कुछ चीज़ें फ्री है। तो जितना आपने भी टाइम दोगे, खुद को डेवलप करोगे, वो आप लोगों के लिए अच्छा है। अभी हमारा जो तीसरा वर्कआउट रहेगा वो हम लगाएंगे पुशअप्स, और पुशअप्स आपको अभी पता लगेगा किस तरीके से लगने वाली है। चले भाई शुरू कर। ये देखो अभी मोहित का वेट है ज़्यादा, थोड़ा क्लोज ज़्यादा भाई, तो मोहित कैसे कर रहा है खुद को पुश, इसने नी का सारा लिया हुआ है। अब जिनका वेट ज़्यादा है, जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो हम ये सोचते हैं कि हमसे लगेगी नहीं, तो हम कोशिश करते ही नहीं है। अभी मोहित देखो ट्राई कर रहा है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा है। अब इसकी चेस्ट के ऊपर पूरा इफेक्ट आ रहा है, और वहाँ पे पीछे इसने अपनी नी का सहारा लिया हुआ है ताकि इसको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, और दूसरी चीज़ इसको इंजरी ना हो। तो नी के सहारे के साथ अभी पुशअप लगा रहा है ये। चल बहुत बढ़िया, गुड, खींच 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 खींच, चल थ्री, चल टू, वन मो, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे लोगों के चक्रों में ना पड़े, जैसा मैं YouTube पे काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, जो आपको ये बोलते हैं 10 दिन में खुद को ट्रांसफॉर्म करें, 1 महीने में खुद को ट्रांसफॉर्म करें, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लंबे टाइम तक चलना है तो आपको लंबे टाइम तक खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद की बॉडी को कष्ट देना पड़ेगा, अपने डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। अब भाई जैसे ये जो और भाई है, हमें देखते हैं, मतलब इंस्टाग्राम देखते हैं, जो हम रील्स में मतलब वैसे थोड़ा एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं, तो वो हम डेली थोड़ी करते हैं, मतलब हम तो बजे एक्सरसाइज में तो यही चीजें करते हैं। अभी आप लोग ये सोचते हैं शायद हमारा वर्कआउट बहुत मतलब इजी रहता है ना, हम अपना वर्कआउट वो वीडियोस हैं, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वहाँ पे हम जो करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जो भी चीज़ें आपको एंटरटेन करने के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वर्कआउट होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, काफ़ी क्वालिटी वर्कआउट होता है, और हमारे जो मसल्स की डेफिनेशन है उस पर काम होता है। तो ये तो हम ये करते थोड़ा एक्सट्रीम इसलिए करते ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप भी नई चीज़ें ट्राई कर सकें। तो अभी मोहित के साथ हमने किया 3 वर्कआउट, अभी हम करेंगे चौथा वर्कआउट, अभी देखेंगे, क्योंकि ना अभी मैं थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी दे रहा हूँ, अगर मैं रेस्ट नहीं देता तो पसीने और भी ज़्यादा आ जाते हैं ना। तो ये थे हमारे 3 वर्कआउट आज के लिए, मैं 3 ही रखता हूँ, एक्चुअली मैं 5 वर्कआउट करने के लिए जा रहा था, या फिर कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा, देख लो। चलो निपटा लेते हैं 5 वर्कआउट, वहीं हो गया एक बार रोड उठा के। अभी जो हमारा चौथा वर्कआउट रहेगा वो रहेगा हमारा रोड के साथ, हाँ रोड लिया बड़ी वाली, हाँ। तो अभी हम जो बड़ी रोड है रोड के साथ अभी वर्कआउट क्यों कर रहे हैं, रोड के साथ हम इसलिए वर्कआउट कर रहे हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ, इसका जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग हो, इसको डेडलिफ्ट की पोजीशन पता लगे, और ये अपनी मसल्स को और भी अच्छा डेवलप कर सके। अभी मैं आपको बताऊंगा जो हमारा ये वर्कआउट रहेगा रोड के साथ, ये हमारी फुल बॉडी का वर्कआउट है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास मशीनें नहीं हैं, अगर आप लोगों के पास एक पेयर ऑफ डंबल है, एक पेयर ऑफ रोड है और एक बेंच है, उसके सहारे भी आप खुद को अच्छा कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को अच्छा बना सकते हैं। अभी मोहित करके बताएगा आपको, इसमें पोजीशन इसकी काफ़ी रॉन्ग थी पहले, अभी देखेंगे आप कितने बेटर वे में ये लगाएगा। अभी चल भाई, चलो ऊपर ले गया शोल्डर, नीचे ले गया हमारी हैमस्ट्रिंग, हमारी अपर बैक, चल बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल मोहित खींच के, चल गुड। ये अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने बेटर वे में लगा रहा है, पूरा फील करके लगा रहा है, चल चल गुड, चल शाबाश। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी प्लेट्स और भी बढ़ा सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और खाली रोड के साथ भी कर सकते हैं। जो बिगनर्स भाई हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, मोहित को अभी 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट ज़्यादा इसको दिया हुआ है। और कोशिश करें आप जो ब्रीथ है वो लॉन्ग ब्रीथ ले, और मुंह को आप बंद रखें, कोशिश करें नाक से सांस ले, चल ये, चल बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल चल चल, एक और लगा दे, एक और खींच दे, ये लास्ट है, वन मो खींच, चल मोहित खींच दे, लास्ट है, एक और, चल, चल, वन मो, या लग जाएगी, लास्ट, चल, चल, गुड, बहुत अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये थे हमारे 4 वर्कआउट, अभी मैं 5वां वर्कआउट आपको कर रहा हूँ, ट्विस्टिंग के साथ मैं लेके जाऊँगा। अभी आप लोगों ने देखा मैंने जो वर्कआउट इंक्लूड किया वो पहली चीज़ आपके कोर के लिए, दूसरी चीज़ आपकी फुल बॉडी के लिए, और तीसरी चीज़ आपके बेस पे काम करने के लिए किया है मैंने। तो आप लोग इन वर्कआउट को इंक्लूड करें, आप लोगों ने देखा वो ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़ आपको अपने डाइट पे फोकस करना है, अगर आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो इस वर्कआउट का फ़ायदा है। जैसे मोहित कभी कभी चीट कर लेता है, तो उसके लिए इसी को ही दिक्कत होने वाली है, हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी मैं बोलता हूँ कि
महीने में एक दो बार चीट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम रोज चीट करो, ऐसा भी नहीं करना आप लोगों को। अब पांचों वर्कआउट है, वीडियो को फिनिश करते हैं। चल भाई आ जाए एक बार, अभी पांचों वर्कआउट ट्विस्टिंग करेंगे। अब ये सबसे इजी वर्कआउट है, हर किसी को काफ़ी इजी लगता है, सोचते हैं खड़े होके झूलना ही तो है, और इस वर्कआउट को काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ये थोड़ी देर बाद पता चलता है, ये वर्कआउट स्टार्ट थोड़ी देर बाद ही होता है। हाँ, जब पेट जब दर्द होना शुरू होता है ना, तो उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें दर्द होता है कोच में। कोच में दर्द होने का कारण क्या है कि वर्कआउट से पहले आप लोग पूरा पेट भर के खा के आओगे, तो कोच में दर्द होना है, तो पेट को थोड़ा खाली रखें, उसके बाद इस वर्कआउट को करें। चल शाबाश। तो आप लोग भी ऐसा देसी जुगाड़ बना सकते हैं जैसे हमने बनाया हुआ है, और ख़ुद को ट्रेन कर सकते हैं, ट्विस्टिंग बना सकते हैं। चलो जी, चल बढ़िया। तो ये थे हमारे पांच वर्कआउट, आप लोग भी करें और अपने बेली फैट को कम करें, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उन मिथ के अंदर जाएं कि एक महीने में ट्रांसफॉर्मेशन, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोग फिटनेस को अपने डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं और खुद को फिट रखें, खुद को बेहतर बनाएं। तो उम्मीद करता हूं हमारी इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प पहुँची होगी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।